नोटबंदी पर पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन महेश गुप्ता से बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे ने। प्रधानमंत्री जी की तरफ से लिया गया ऐतिहासिक फैसला, 1000 और 500 रुपए के नोट बंद कर दिए गए। नोट बंद होने के बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है और लोग एटीएम और बैंक के बाहर लंबी लाइनों में खड़े हैं ताकि उनको इतने पैसे मिल जाएं कि वो अपनी रोजमर्रा की चीजें पूरी कर सके। इससे इंडस्ट्रीज पर भी काफी असर पड़ा है और इसी मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट महेश गुप्ता जी हैं। सर, अभी जो हालात हैं इससे प्राइवेट सेक्टर्स में तो आपात स्थिति आ गई, आपातकाल की स्थिति है और सरकारी में भी है, तो आप इस चीज को लेके आज फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए हुए थे, क्या मामला आपने रखा उनके सामने, क्या मांग की है उन्होंने? देखिए, सबसे पहले तो हम इस मूव का वेलकम करते हैं कि डिमोनेटाइजेशन होने से देश में जो ब्लैक मनी है वो सामने आएगा। बट लोगों को तकलीफ हो रही है, लाइनें लंबी हैं और बैंकों से पैसा मिलने में टाइम लग रहा है और लोगों को उसकी वजह से जो ऑफिस में काम करने में तकलीफ हो रही है, एब्सेंटीज बढ़ रही है। तो हम लोगों ने आज एक सजेशन दिया है, उनसे मुलाकात तो नहीं करने गए थे हम लोग, एक हमने ईमेल के थ्रू उनको एक सजेशन दिया है कि जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, हर आदमी को कम से कम 10,000 रुपए की एक नए करेंसी के नोट की, खास करके 500 रुपए के 20 नोट दे के 10,000 रुपए हर एक को हम लोग दे सकते हैं। कंपनियों का इस्तेमाल किया जाए, एक कंपनी जाए, अपने 10,000 एम्प्लॉयज हैं या उसके 1,000 एम्प्लॉयज हैं या उसके 100 एम्प्लॉयज हैं, 10,000 × मल्टीप्लाइड पर इतना पैसा निकालने का हमें परमिशन दी जाए, हम वो पैसा निकाल के हर एक एम्प्लॉय को 10,000 रुपए दे देंगे, वो पैसा उनको मिल जाएगा एक ही दिन में, तो उनको काम करने के लिए सुविधा होगी और वो पैसा मतलब एडवांस सैलरी के अगेंस्ट होगा। नवंबर की सैलरी हमको उनको 7 दिसंबर को देनी है, वो तनख्वाह में से 10,000 रुपए हमने उसको आज दे देंगे तो उनका काम चलना शुरू हो जाएगा और सरकार को भी हेल्प मिलेगी। लेकिन सर, प्रॉब्लम तो यहाँ पर यह है कि सरकार अभी लिक्विड मनी 10,000 तो देना ही नहीं चाहती, वो तो अभी 4500 रुपए कैश दे रही है और एटीएम से उनको 2500 की लिमिट बना के रखा हुआ है। तो आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में जहां सरकार अभी 30 दिसंबर के पहले तक इतना कैश देना ही नहीं चाहती, तो 10,000 रुपए पर एम्प्लॉयज को वो देने के लिए आपको जो भी आप डिमांड कर रहे हैं वो पूरी करेगी वो? देखिए, मेरा ऐसा मानना है ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, तब लोगों को तनख्वाह देनी पड़ेगी एक गवर्नमेंट को 1 तारीख को या 7 तारीख को। उस वक्त किसी भी आदमी को कैश में तनख्वाह देना मना नहीं कर सकती सरकार, उस वक्त तो पैसा देगी, उसकी तनख्वाह के लिए देगी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो तनख्वाह के लिए आपने पैसा देना है वो अभी दे दीजिए, कम से कम 10,000 दे दीजिए, ज्यादा नहीं 10,000 आप उनका दे दीजिए आज की तारीख में। और हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये कंपनियां इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं, सब लीगल कंपनीज हैं, ये लीगल कंपनी अगर सर्टिफिकेट दे रही है वो एक वैलिड चीज है, जो बैंक भी दे रहा है वो भी वो काम कंपनी कर लेंगी उस काम को।